नमस्कार, हेलो एवरीवन, एविगनस में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप उस सीक्रेट के बारे में जानते हैं जो आपके बालों की अनेकों समस्याओं को दूर कर, जैसे डैंड्रफ, दुमे बाल, लगातार झड़ते पतले बाल, सफ़ेद बाल या फिर रुखे सूखे कमज़ोर बाल जैसी समस्याओं को दूर कर आपके बालों को जड़ से मजबूत करके उन्हें घना, लंबा, बेहद रेशमी बनाता है? मैं आपको ज़रा हिंट देती हूँ। अरे वही जिसका कड़ी बनाते समय या कद्दू की सब्जी बनाते समय छौंक लगाते हैं, समझ गए ना? जी हाँ, सही कहा आपने, मैं बात कर रही हूँ मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स की। जी हाँ दोस्तों, यही वो छुपा रस्तम है, सीक्रेट है आपके बालों को घना, लंबा, काला करने का। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसके बाल हेल्दी, बेहद खूबसूरत, अच्छे दिखें, शीशे की तरह चमकते काले, लंबे, घने बाल कौन नहीं चाहता? आज ही सब चाहते हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही चमकते काले, घने, लंबे बाल चाहते हैं तो दोस्तों आप अपने बालों में मेथी दाना का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में ज़रूर करें। जब अपने बालों को धोएं तो अपने शैम्पू में मेथी दाना का इस्तेमाल करें। हेयर पैक लगाने जा रहे हैं तो उसमें भी मेथी दाने का इस्तेमाल ज़रूर करें। बालों में तेल लगाने की बारी है, तब मेथी से बना तेल अपने बालों में लगा लो। फिर देखना दोस्तों, आपके लंबे, घने, काले, रेशमी बाल पानी की इच्छा कैसे पूरी नहीं होती। बस आपको मेथी का सही तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए। शैम्पू कैसे बनाना है, मेथी का हेयर पैक कैसे बनाना है, ये सब मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ होममेड मेथी हेयर ऑयल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, मेथी हेयर ऑयल बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे मेथी के दाने। इसको आप बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। जब इस तरीके से बारीक पाउडर फॉर्म में ये हो जाए तब आपको इसका इस्तेमाल करना है तेल बनाने के लिए। मेथी एक ऐसा पावरफुल घरेलू नुस्खा है जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा बालों के लिए किया जाता है, क्योंकि दोस्तों मेथी एक ऐसी चीज़ है जो आपके बालों से जुड़ी हर एक समस्या के लिए रामबाण का काम करती है। दोस्तों, मेथी में हाई प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड है जो आपके बालों की गहराई में जाकर अंदर से भरपूर पोषण देता है, जिससे आपके बाल जड़ से मजबूत होते हैं और आपके बालों का झड़ना तुरंत रुक जाता है। ये हमारे बालों को बहुत हेल्दी और स्ट्रांग बनाता है, जिससे बाल तेजी से घने और लंबे होते हैं। साथ ही हमारे बालों को मॉइस्चराइज भी करता है। दोस्तों, मेथी में मौजूद एंटी फंगल रूसी का कारण बनने वाले फंगस को दूर करने में हेल्प करता है, जिससे डैंड्रफ की समस्या से आपको निजात मिलती है। बालों को असमय सफ़ेद होने से रोकता है और जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं उन्हें भी ये काला करने में हेल्प करता है। अगर आपके बाल बहुत उलझे हुए रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आपके उलझे बालों को मेथी स्मूथ बनाता है। साथ ही मेथी में मौजूद मिनरल्स आपके बालों को शाइनी बनाते हैं। मैंने ये वाली चम्मच से 2 चम्मच का ही मेथी पाउडर लिया है। मेथी हेयर ऑयल बनाने के लिए जो दूसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा वो है सरसों का तेल। दोस्तों, अगर आपके सफ़ेद बाल हैं तो आपको सरसों का तेल ज़रूर लगाना चाहिए। जो लोग सरसों का तेल लगाते हुए आ रहे हैं उनके अगर आप देखें बालों को तो आपको उनके बाल सफ़ेद नहीं दिखेंगे, क्योंकि सरसों का तेल बालों को सफ़ेद नहीं होने देता है, लंबे समय तक आपके बाल काले बने रहते हैं। आप इसकी जगह तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद बालों को काला करने में तिल का तेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर दोस्तों आप कोले का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो बालों की हेयर केयर की बात की जाए तो मुझे सरसों का और तिल का तेल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। आप कोई भी, जो भी आपको सूट करता है आप वो तेल ले सकते हैं। दोस्तों, सरसों का तेल रूखे सूखे बेजान बालों में जान डालने का काम करता है। अगर आप इससे मसाज करते हैं तो इससे स्कैल्प में खून का संचार बढ़ता है। इसे लगाने से हमारे बाल हेल्दी बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं जड़ से। और अगर हम इस तेल से मसाज करते हैं रेगुलरली अपने बालों में तो ये बालों को बहुत सॉफ्ट, मुलायम, चमकदार बनाता है, साथ साथ बालों को लंबे समय तक घना, लंबा बनाए रखने में हेल्प करता है। इस तेल को बनाने के लिए जो तीसरा इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल। ये तेल बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होता है। इस तेल का जब भी आप इस्तेमाल करें तो किसी तेल के साथ मिक्स करके अपने स्कैल्प में लगाएं। इसे लगाने से हमारी हेयर ग्रोथ तेजी से होती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण है जो आपके डैमेज बालों को ठीक करता है। अगर आपको खुजली और डैंड्रफ है तो उसका भी सफाया करता है। तो करीब 5 चम्मच मैंने कैस्टर ऑयल लिया है। 2 मैंने यहाँ पे विटामिन ई की कैप्सूल लिए हैं। दोस्तों, विटामिन ई ऑयल आपके बालों की हर एक कंडीशन को सुधारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके बालों को घना, मोटा, शाइनी बनाने में ये बहुत ज़्यादा मददगार है। ये हमारे जड़ों में बालों के ऊपर से लेकर नीचे तक भरपूर पोषण देकर उन्हें मजबूत बनाता है। मेथी का ये मैजिकल पावरफुल हेयर ऑयल बनाने के लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए: मेथी, सरसों का तेल, कैस्टर ऑयल, साथ में विटामिन ई कैप्सूल। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया 1 लोहे की कढ़ाई, और आप कोई भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। इसके बाद हम डालेंगे इसमें मेथी पाउडर। अब हम इन दोनों चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद तेल हमारा बिल्कुल पीले रंग का दिखाई देगा, क्योंकि मेथी पीले रंग की होती है। इसका पाउडर हमने बना लिया है तो ये पूरा रंग छोड़ेगा इस तेल में अपना। मेथी के अंदर जितना भी पोषक तत्व हैं, प्रॉपर्टीज़, गुडनेस वगैरह, वो सब इसके अंदर अच्छे से आ जाएगा। तो दोस्तों, गैस को मैंने ऑन कर लिया है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम में आपको रखना है। तो पहले हम इसे चलाते हुए करीब 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। ध्यान रखिएगा गैस के फ्लेम को आपको लो में रखना है। तो ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तेल बन रहा है।
क्योंकि इस तेल को बनाने के लिए हम सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं। सरसों का तेल तो आपको पता ही है, चाहे हम इसको खाना बनाते समय यूज़ करें, चाहे बालों के लिए यूज़ करें, बहुत ही पावरफुल तेल है। दूसरी खास बात यह है इस तेल की, अगर हम इस तेल को पकाते हैं तो इसके गुण नष्ट नहीं होते हैं। साथ ही हम इसमें दो चीज़ और डालने वाले हैं जिससे हमारा तेल और भी ज़्यादा मजबूत बन जाएगा हमारे बालों के लिए। तो 2 मिनट हो चुके हैं तेल को पकाते हुए, मेथी सरसों के तेल में थोड़ी मिक्स हो गई है, तो अब डाल देंगे इसमें कैस्टर ऑयल। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके बाद अब हम इस तेल को 10 मिनट तक पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम में। तो अब ये कुछ झाग जैसा दिख रहा है आपको, क्योंकि हमने इसमें मेथी यूज़ किया, दूसरा सरसों का तेल, वो भी झाग बनाता है, तो इस तरीके का थोड़ी देर तक दिखेगा, कुछ देर बाद ये फट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अभी आपको इस तेल को लगातार चलाते रहना है करीब 10 मिनट तक, गैस को तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसे आराम से पकने देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं मेथी का जो पाउडर है हल्का सुनहरे रंग का हो चुका है, जो कि पहले पीला था। इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि 10 मिनट भी हो चुके हैं और मेथी के जो पाउडर्स का रंग भी हल्का सुनहरा हो चुका है। तो ये हमारे तेल बनने की निशानी है। और ये रही बात झाग की, इसकी आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में ये हट जाएगा। तो अब आपको इसे पूरा ठंडा होने देना है, मैं इसे रात भर ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी। आप चाहे तो इसके पूरा ठंडा होने के बाद ही एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे रात भर ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ। सो गाइस, तेल हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। वैसे तो ये उसी दिन रात को ठंडा हो गया था, लेकिन मैं इसे रात भर रहने दिया था। तो अब अगले दिन हम इसको चेक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मेथी का जो तेल है वो पूरा ऊपर है और मेथी पाउडर नीचे है, क्योंकि मैंने तेल को रात भर ऐसे ही छोड़ दिया था, तो मेथी पाउडर नीचे बैठ गया है। तो अब हम इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद अब हम इसको छानेंगे, क्योंकि मेथी पाउडर दरदरा होता है, तो आप इसको छान कर ही लगाइएगा, ऐसे ही मत लगा लेना, वरना ये आपके स्कैल्प में चुभेगा। तो कलर देखिए तेल का कितना बढ़िया आया है मेथी की वजह से। जितनी भी मेथी में गुडनेस प्रॉपर्टीज़ जो भी पोषक तत्व थे इसमें, वो इस तेल में आ चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से छान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कांच का कंटेनर लिया है, अगर हो सके तो कांच का ही कंटेनर लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इसे प्लास्टिक की बोतल में भी रख सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ विटामिन ई की ये 2 कैप्सूल, जो कि बाल हमारे चमकदार भी बनाएगा, मुलायम भी बनाएगा, साथ साथ खाने भी करेगा। विटामिन ई कैप्सूल डाल के इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जी, अब हमारा मेथी हेयर ऑयल बालों में लगाने के लिए तैयार है। तो जब भी आप इस तेल को अपने बालों में लगाएं, सबसे पहले इसे हिला लें और इसके बाद अलग बोल में इसे जितना आपको चाहिए उतना तेल निकाल लें अपने बालों के हिसाब से। आप इसे हल्का गुनगुना करके भी लगा सकते हैं डबल बॉयलर प्रोसेस के हिसाब से, लेकिन इसे ठंडा ही लगा रही हूँ। तो आपको इसे अपने पूरी जड़ों में लगाना है और हल्के हाथों से मसाज करनी है। हफ्ते में 3 बार इस तेल को ज़रूर लगाइए, और चाहे तो आप रोज़ भी लगा सकते हैं, नेचुरल चीज़ से बना है तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप लड़की हो लड़की, कोई भी इस तेल को लगा सकता है। तो रात को आपको तेल लगाना है, चाहे तो नहाने से 2 घंटे पहले भी लगा सकते हैं, और इसके बाद आप अपने बालों को किसी भी अच्छे शैम्पू से धो लीजिए। इस तेल के लगाने के बाद से बालों का झड़ना तो आप देखेंगे एक बार में ही रुक जाएगा, बाल आपके बहुत शाइनी सॉफ्ट हो जाएंगे। और जैसे आप लगाते रहेंगे वैसे वैसे आपके बालों की एक एक कंडीशन सुधरेगी, चाहे आपके बालों में जो डैंड्रफ था आप देखेंगे वो चला गया है, खुजली वगैरह आपके है, या 2 मुए बालों से आप परेशान हैं, रूखे सूखे बाल हैं, वो सब प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। 1 महीने के अंदर आप अपने बालों में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस देखेंगे। आप देखेंगे आपके बाल पहले से घने हो चुके हैं, बालों की लंबाई भी बढ़ रही है। तो दोस्तों, आप इस मजबूत पावरफुल मेथी हेयर ऑयल को जरूर ट्राई कीजिए और इस तेल के ढेरों फायदे उठाइए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को भी जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।